खबरों से पहले हम करते हैं पूरी तैयारी। हमें मालूम है हमारी जवाबदारी। हम खबरों को देते हैं तलवार की धार। आवाज की उम्मीदों को करना है साकार, क्योंकि हम हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के लिए। बुंदेलखंड का पहला 4G न्यूज चैनल सागर एक्सप्रेस न्यूज। लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले संविदा स्वास्थ्य कर्मी को लेकर सागर सांसद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि सरकार का कर्मचारियों के प्रति रवैया अन्यायपूर्ण है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बारे में सीएम और पीएम को चिट्ठी लिखने की बात भी कही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के सांसद के सामने बुंदेली भाषा में ज्ञापन क्या पड़ा, सांसद यह तक भूल गए कि वो किस पार्टी के हैं और किस सरकार को वो कोस रहे हैं। वही इन कर्मचारियों ने एक रैली बनाकर अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने तरफों में बुंदेली भाषा में ज्ञापन पढ़ा। कर्मचारियों ने जमकर सरकार को कोसा। उनकी एक ही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। तुम्हें सब सुविधा और हम हैं मझधार, संविदा नौकर के बल। अपेक्षा ये करते हैं कि हमारा जो भविष्य वो बना दे, में किसी न किसी तरीके से हम लोग जो संविदा वाले हैं और जो 12-13 साल हम लोगों को सेवा करते हो गए और हम लोगों का जीवन व्यर्थ है, मतलब बिल्कुल बेकार श्रेणी में जा रहा है, और हमारा जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य, जब हम लोगों के लिए तनख्वाह नहीं मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही, तो हमारे बच्चों को हम कैसे सुविधा देकर अपने उनकी जीवन भविष्य बना पाएंगे। तो हम तो यही आशा रखते हैं कि जो हमारी जो सरकार है हम लोगों का के लिए नियमित कर दे, हमारी सुविधाएँ हमको दे दे, तो हम अपना उनको भी नहीं भूलेंगे। बुंदेली में सुनाने की क्या? बुंदेली में मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि मैं अपने जो हमने व्यथा करी तो मैं गीत के माध्यम से आपको गा के बता देता हूँ। जो शासन तन कई करत नैया ख्याल। हम आपको बता दें कि सरकार की अल्टीमेटम देने के बाद भी यह कर्मचारी सरकार के खिलाफ हड़ताल जारी रखे है। सरकार ने इन कर्मचारियों को टर्मिनेट भी कर दिया है। उनकी व्यवस्था जायज है, इस तरह से जायज है कि उनमें 12-12, 15-15 साल पुराने लोग का काम कर चुके हैं। तो क्या है कि कर्मचारी 15 साल जिस आदमी ने काम कर लिया है उसको अगर कल कोई कह दे कि चलो भागो तुम यहाँ से, नहीं रखना तुमको, ये गलत होगा। क्योंकि और इससे मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। ये बात ठीक है कि 2-5 साल का होता तो मान भी लेते, अगर लंबी अवधि कर लिया तो मैं उनके साथ सहमत हूँ उनकी बात से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री को दोनों चिट्ठी लिख रहा हूँ कि इनके साथ ये अन्याय है। इतनी अनिश्चितता की जिंदगी एक समय के बाद व्यतीत करने वाला आदमी आज एक बहुत ही योग्य नागरिक नहीं रहेगा। हम प्रदेश के मुखिया के भांजे भांजियाँ नहीं हैं। अगर हम हमें अपना समझती है सरकार, तो सरकार क्यों हमारी ओर ध्यान नहीं देती। उसके बाद रुस्तम सिंह जी द्वारा कल एक बहुत ही बचकानी बात कही गई, उनने ये कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे उल जलूल में। ये उल जलूल शब्द की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगी, क्योंकि उल जलूल शब्द क्या होता है ये तो बड़ा मतलब हम लोग समझते रह गए। 26 दिन की 27 दिन की हड़ताल के बाद हमारा विभाग का कैबिनेट मंत्री हमारी मांगों को उल जलूल कहता है, वो भी बिना मीटिंग के, बिना बात किए हुए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोई लालच के लिए हड़ताल पर नहीं बैठा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोई दबाव बनाना नहीं चाहता है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी किसी पार्टी के इशारे पर नहीं बैठा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सिर्फ अपना निश्चित भविष्य चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि 60 वर्ष तक सरकार, क्योंकि हमने 15-15-20 साल तक यहाँ नौकरी कर ली है, अब किसी और काम के लायक नहीं बचे, इसलिए सरकार को ये चाहिए कि 60 वर्ष तक हमें नौकरी में रखा जाए। इतनी गारंटी जिस दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिल जाएगी कि हड़ताल स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल संवेदनशीलता का है। मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, पूरे प्रदेश प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी होगी। जब भी कुछ आरोप करता है तो उसका कोई निराकरण नहीं। लगातार कर्मचारियों की इन हड़तालों से स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी वोट बैंक की खातिर इनके साथ हो लिए हैं। वो ऐसे में सरकार के खिलाफ भी खुलकर बोलने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। सांसद के बयान को देखकर तो यही कहा जा सकता है अब नेता अपना कमल बचा रहे हैं, उन्हें मोदी और शिवराज के कमल की अब परवाह नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज़।